जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ JNUSU ने मंगलवार को मांग की कि हॉस्टल शुल्क वृद्धि का विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ कोई प्रशासनिक या कानूनी कार्यवाही नहीं की जाए। JUSU के अध्यक्ष आयुष घोष ने कहा कि उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD मंत्रालय के संयुक्त सचिव GC होसुर के साथ बैठक की और उनसे छात्रों के खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, इन विरोध प्रदर्शनों के लिए छात्रों को ईमेल के माध्यम से नोटिस मिल रहे हैं, लेकिन ये विरोध सिर्फ एक कारण के लिए है और कोई भी छात्र 1 रुपए का जुर्माना नहीं देगा। छात्रों के संघ ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने आंदोलनकारी छात्रों और प्रशासन के बीच मध्यस्थता के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त पैनल के सदस्यों से मिलने से इनकार कर दिया और वर्सिटी के सामान्य कामकाज को बहाल करने के तरीकों की सिफारिश की। JUSU, जो 3 सप्ताह से हॉस्टल शुल्क वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाती, हड़ताल को बंद नहीं है किया जाएगा। हमें पता चला है कि रजिस्ट्रार ने हमारे और विश्वविद्यालय के बीच मध्यस्थता करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त पैनल से मिलने से इनकार कर दिया। उनकी उच्च योग्यता देखें। जब वे सरकार के प्रतिनिधियों का मनोरंजन करने से इनकार कर सकते हैं, तो उनसे कैसे बात की जा सकती है? JUSU अध्यक्ष आयुष घोष ने यहां संवाददाताओं से कहा, JNUSU के आरोप पर कुल सचिव या विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। घोष ने कहा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी और शुल्क वृद्धि पूरी तरह से वापस ले ली जाएगी। वह ही दूसरी और छात्रों का प्रदर्शन में जारी है। आज भी छात्रों ने ब्लॉक पर प्रदर्शन किया। सर वहाँ पे चले ना, वहाँ पे तुम बैठ जाओ, सर सब बैठ जाओ। स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिनको जिन्होंने वहाँ पे लाठी खाई है, जिस तरीके से बेरहमी से उनको पीटा गया है। काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके साथ ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, वो लोग अभी एम्स जा रहे हैं। काफी महिला साथी है जिनका अपॉइंटमेंट अभी डॉक्टर के पास है। तो मैं जस्ट ब्रीफ करूंगी पहले कि ये लोग बात करें। थोड़ा सा ब्रीफिंग हम लोग कर देते हैं कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वहीं से मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। जैसे आप लोगों को पता है कि टुडे इज द 23rd डे जब हम लोग एक प्रोटेस्ट में एंटर कर चुके हैं और इसी मांग के साथ कि 28 अक्टूबर को जो IHA मीटिंग हुई थी वो इलीगल तरीके से बुलाया गया था, जहाँ पे JNU स्टूडेंट्स यूनियन को नहीं बुलाया गया था। उसी दिन से स्ट्राइक इसी बात पे है कि जो ड्राफ्ट हॉस्टल मैनुअल को लाया गया है इमीडिएटली उसको रोल बैक करवाया जाए और कम्प्लीट रोल बैक करवाया जाए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन आए, बात करे, एक फ्रेश इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग बुलाए जहाँ पे JNU स्टूडेंट्स यूनियन
बांट रहे हैं और साथ साथ हॉस्टल प्रेसिडेंट्स के साथ एक नया मैनुअल का बातचीत शुरू हो। लेकिन लगातार पिछले 23 दिनों से हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और वाइस चांसलर के तरफ से कोई भी नेगोशिएशन या कोई भी बात डायलॉग बेसिक डायलॉग शुरुआत तक भी नहीं होती है। इसके बीच में एक दिन कॉन्वोकेशन के दिन ये होता है, उसके बाद आधे रास्ते में हमको छोड़ा जाता है, तभी जाके हम फिर प्रोटेस्ट में जोरबाग में जो हमारे साथ जो प्रोटेस्ट मार्च करके जा रहे थे वहाँ पे जाते हैं और दोबारा वहाँ पे जब यूनियन बोलता है क्या यूनियन को बोला तो पुलिस बोलते हैं तो मिनिस्ट्री ले जाएंगे बोल के यूनियन को साइड कर दिया जाता है और तभी स्टूडेंट को लाइट बंद करके मारा जाता है और जितने भी स्टूडेंट पूरा बेरहमी से दौड़ा के मारा जाता है कुछ। और तभी आप जैसे यहाँ पे इतना जो रिपोर्टर दिखते हैं तभी ये बेशर्मी की बात है कि आप जैसे रिपोर्टर उसी वहाँ पे नहीं आते। अगर इतना रिपोर्टर वहाँ पे होता उतना रिपोर्टर वहाँ पे आते तो शायद वो लाठीचार्ज जिस प्रकार का हुआ था वो नहीं होता। और कुछ दलाल मीडिया जो है यहाँ पे अभी आए हैं वो दलाली करेंगे, हम उनसे कोई परिवर्तन का बात नहीं ले सकते। फिर वहाँ पे रात में जो लाठीचार्ज हुआ है मेरे हाथ में ब्लड निकल है, यहाँ पे मारा है, फिर यहाँ पे अभी भी फूला हुआ है और फिर मेरे पीछे भी मार पड़ा है। तो जिस प्रकार से हम जो एक स्टूडेंट का जो जस्ट डेमोक्रेटिक जो अधिकार के बात कर रहे हैं, जो पी आई का जो है जो दलित आदिवासी स्टूडेंट है जो है कैंपस में आ नहीं पाएगा अगर जो पी आई जिस प्रकार दी गई है। उसके बाद पुलिस ने मेरे कुछ साथियों ने मुझे घेर कर प्रोटेक्शन देने की कोशिश की कि मुझे बचा के निकाल लाया जाए। पुलिस वालों ने कहा, लोगों ने साथियों ने कहा कि ये ब्लाइंड स्टूडेंट है इसको न मारा जाए। पुलिस वालों ने कहा कि इसको साइड करो तब और तुम लोग यहाँ से भागो। उन्होंने मेरे दोस्तों ने मुझे इस भरोसे पर वहाँ छोड़ दिया कि पुलिस मुझे नहीं मारेगी, मुझे साइड कर दिया गया। उसके बाद साइड करने के बाद वो जो वहाँ गेट लगा था उस जाली के रास्ते डंडा डाल के ऐसे ऐसे मारा गया मुझे। मारने के बाद जब मैं वहाँ से हटा और ये बोलता हुआ हटा कि मैं एक दृष्टिवादी स्टूडेंट हूँ मुझे क्यों मार रहे हो, उसके बाद मैं वहाँ से जब आगे की तरफ गया तो एक पुलिस वाले ने मुझे वहीं जमीन पर उठाकर पटक दिया और मैंने उससे तब भी कहा कि तुम एक दृष्टिबाधित को ऐसे नहीं मार सकते हो, तुम्हारे अधिकार के खिलाफ है ये। उसने कहा कि जब ब्लाइंड है जब अंधा है तो प्रोटेस्ट में क्यों आया। और ये कह करके इन लोगों ने कम से कम 5-6 लोग मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक चढ़ के मारा मुझे ऊपर से। और ये पूरा मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं किस हालत से बोल रहा हूँ ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि आपको नीचे सुनने की वो नहीं है, आप धीरे आवाज नहीं सुन सकते। नहीं दिया गया उस टाइम पे हम लोग के वैन में हम लोग छह से ज्यादा फीमेल स्टूडेंट थे, बट देयर वर नॉट अ सिंगल फीमेल पुलिस ओवर देयर। इवन जब हम लोग को डिटेन किया गया, जब हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे, हम लोग पूछे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग सेफ बिकॉज देयर वर ओनली मेन पुलिस एंड वी आर अ लॉट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स वेयर देयर, उन लोग कोई जवाब नहीं दिया। तो हम लोग जब डिटेन हम लोग को बहुत सारी जगह पे लेके गए, उधर भी फीमेल पुलिस नहीं थी। बाद में फीमेल पुलिस की जब हम लोगों ने मांग किया तब फीमेल पुलिस भेजा। वी ऑलवेज ब्लीडिंग, हम लोग के हाथ से पैर से कान से खून निकल रहा था, फिर भी कोई हम लोग एक मेडिकल फैसिलिटी के लिए आया नहीं। जब हम लोग के टीचर्स पहुंचे तब वो लोग मेडिकल फैसिलिटी लेके पहुंचे। इवन जब हम लोग वापस आ रहे थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे सामान छीन लिया गया था, हम लोग बैग छोड़ दिया था, जूता चप्पल कुछ नहीं था, तो हम लोग जब पुलिस बस में वापस आ रहे थे हम लोगों ने बोला मैं नीचे रहने दो। टेस्ट कॉलर है जो जिसको मेट्रो जिन लोगों को मेट्रो से उन लोगों को घर जाना होता है वो लोग कैसे उस टाइम तक लड़कियों को वो लोग डिटेन नहीं कर सकते, लेकिन तभी भी उन लोगों ने छोड़ा नहीं। हम लोगों ने मांग किया कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे हम लोगों को छोड़ दिया जाए कि जो लड़कियां डे स्कॉलर्स है वो लोग घर पहुंच पाए, लेकिन उसके बाद भी नहीं किया गया है। मुझे मेल
कार से ऐसे खींच के मारा। अरे जवाब मैडम, मुझे बिना बोले जवाब देने नहीं आता, बोल के ही जवाब दे पाऊंगा, बिना शब्द के कन्वर्सेशन नहीं होता है। जवाब दे दीजिए बिना शब्द के। यहाँ सवाल आओ, आप सुनिए, आपने क्या क्या कहा? एम्बुलेंस रोका गया, एम्बुलेंस रोका गया, अच्छा प्रोफेसर को पीटा गया, हाँ अच्छा, क्या अंग्रेजी में क्या तोड़फोड़ कर दी। मैं वहाँ जाके एम्बुलेंस रोक रहा था कि मुझे मार दिया जाए, मैं जाके वहाँ जो है प्रोटेस्ट उसमें तोड़ रहा था, तोड़फोड़ कर रहा था, मुझे मार दिया, और ये बताने के बाद भी कि मैं एक बिजली, चलिए आपने धोखे मार दिया, गलती से मार दिया, अलग बात, सवाल का जवाब दीजिए ना। आप जवाब ही दे रहे हो, वही जवाब दे रहा हूँ, बात मत करिए। अरे आप सर, आप हमको सुनने आए कि कुछ सुनाने आए? एक बात बताइए, हमको सुनने आए हैं ना, तो शांति से सुन के जब आपका पूरा उत्तर हो जाएगा तो आप दूसरा उत्तर दे, क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, आपको पेशेंस तो होना चाहिए ना थोड़ा। हाँ तो ये कह रहे हैं कि प्रोफेसर को मारा गया, और देश का कौन से प्रोफेसर को मारा गया था, और प्रोफेसर को स्टूडेंट मारता है। यहाँ पे जब हम प्रोटेस्ट करते हैं ना मैडम, तो यहाँ